खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। आज वाराणसी जिले के गाजीपुर मार्ग के बगल में कैथी के पास स्थित मार्कंडे महादेव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार के दिन भक्तों के दर्शन पूजन के लिए लंबी कतार लगी रही। हर हर महादेव के नारे गूंजते रहे, भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए कांवरियों का हुजूम नहीं मिला, फिर भी दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए यहां पहुंचे हैं। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन का दूसरा सोमवार है और इस समय हम मौजूद हैं खबर 7C टीम के साथ मार्कंडे महादेव जो कैथी के पास पड़ता है वाराणसी गाजीपुर मार्ग के बगल में। तो बिल्कुल इस समय हम मौजूद हैं मार्कंडे महादेव के गेट पर। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वह गेट है, मार्कंडे महादेव का मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं। क्योंकि इस समय जो है कांवरियों को रोक लगा दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, नहीं तो यहाँ पे जो हम खड़े हैं यहाँ पे जगह नहीं मिलता लोगों को खड़े होने के। लेकिन इस समय फिर भी लोगों का हुजूम है, लोग दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। आइए हम लेके चलते हैं अंदर मंदिर परिसर के अंदर, वहाँ हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से लोग श्रद्धालु आए हैं दूर दूर से आके, जो है भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए दर्शन पूजन कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इस समय हम मंदिर परिसर के अंदर है जहाँ पे देखिए लगातार भक्तों की हुजूम बढ़ी हुई है। जबकि घड़ी के समय में इस समय 4:20 बाकी है, लेकिन लगातार जो है भक्तों की कतार बढ़ रही। तो आइए कुछ लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? सागर गुप्ता जी। गुप्ता जी, आप कहाँ से आए हैं? रामनगर वाराणसी जी। वाराणसी से आप आए हैं, क्या श्रद्धा है मार्कंडे महादेव की, इतनी दूर से आप दर्शन करने आए हैं? बाबा की श्रद्धा है और आशीर्वाद रहती है बाबा पे हर साल की तरह। जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल जी। भाई साहब नाम क्या है? आशीष जी। आशीष जी बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? हमारे बनारस से जी। बनारस से आ रहे हैं, क्या लगता है आपको मार्कंडे महादेव के मंदिर में आते हैं, क्या श्रद्धा है यहाँ की? यहाँ का महत्व काफी पुराना है, मार्कंडे ऋषि जी का है, शिवलिंग है, मार्कंडे जी है जी। और यहाँ गंगा जल चढ़ाने से सभी मान्यताएं पूरी होती है जी जी जी। तो बिल्कुल देखिए, काफी दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। जी नाम क्या है आपका? निशा जी। कहाँ से आ रही हैं? मैं राजमंदिर ब्रह्माघाट से आ रही हूँ जी। क्या लगता है आपको मार्कंडे महादेव मंदिर में आने के बाद? बहुत ही दिल को शांति मिलता है, सुकून मिलता है जी जी। तो जी बिल्कुल देखिए, लोग भक्तों की जी कतार है वो लगातार बढ़ रही है और लोगों का एक जो है आस्था का केंद्र है मार्कंडे महादेव मंदिर, जो कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन पूजन के लिए आते हैं। तो चलेंगे हम यहाँ के जो पंडा या पुजारी होंगे, कुछ प्रशासन के लोग होंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। रुक दो जी बिल्कुल। तो देखिए इस समय हम हैं मार्कंडे महादेव मंदिर में, कुछ दुकानदार भाई भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्योंकि पिछली बार तो पूरा लॉकडाउन था और इस बार जो है लॉकडाउन में थोड़ी फुर्सत मिली है लोगों को, फिर भी कांवरियों वालों को तो रोक दिया गया, लेकिन और जितने भी श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, तो हम इनसे जानकारी लेंगे। जी भाई साहब नाम क्या आपका? मेरा नाम अविनाश गिरी पड़ता है, अभिषेक गिरी मेरा नाम है जी। अभिषेक जी बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस बार जो है सावन का दूसरा सोमवार है साहब? बहुत बढ़िया है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पर राम राम लिखा जल और बिलपत्र साबुत सुबह से लेकर शाम तक भगवान शिव जी को चढ़ रहा है जी हाँ। माहौल तो क्या माहौल था सुबह? किस माहौल बहुत, ये समझिए कि जो सामने ये रेलिंग दिख रही है पूरी जाम थी। अच्छा, मतलब श्रद्धालु काफी संख्या में, पूरी संख्या में यहाँ थे। यहाँ समझिए कि हमको लगता है कि 3 लाख के ऊपर श्रद्धालु सुबह में दर्शन करके यहाँ से गए होंगे, 3 लाख से ऊपर ही जी। बिल्कुल, मतलब सुबह काफी हुजूम था यहाँ पे जी, काफी भीड़ था जी 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 बिल्कुल। तो जैसा लोगों का कहना है कि इस बार काफी भीड़ था, और देखिए ये जो दुकानदारी है लोगों की, और एक सावन का महीना है, लोगों का एक आस्था का केंद्र बना रहता है कि जब सावन का महीना आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ हमारी दुकानदारी में जो है वृद्धि होगी। तो इस तरीके के लोग आस लगाए रहते हैं। हम हैं मार्कंडे महादेव
गेट के पास, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग भी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं काफ़ी चुस्त और दुरुस्त हैं, तो यहाँ पे कुछ पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? साई प्रकाश कुमार नाम। जी प्रकाश कुमार जी, ये बताइए कि जो प्रशासन की व्यवस्थाएँ हैं श्रद्धालुओं के लिए, किस तरीके से श्रद्धालुओं को मैनेज किया जा रहा है यहाँ पर? जी यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ संख्या काफ़ी सवेरे बहुत ज़्यादा थी। जिस हिसाब से महिलाओं का लाइन ये दाहिने साइड से और जेंट्स का लाइन बाएं साइड से लगा था। जी महिलाओं में थोड़ा कम भीड़ था, जेंट्स में ज़्यादा था, फिर भी मैनेज करके आदमी भेज रहा। सबको कहा जा रहा कि मास्क और ये दूरी अपना मेंटेन करें COVID-19 वाली। जी इस हिसाब से सवेरे से ही प्रशासनिक व्यवस्थाएँ सही चल रही हैं, कोई समस्या नहीं। जी बिल्कुल, अभी आपके हिसाब से सुबह से कितने श्रद्धालु लगभग दर्शन कर चुके हों? अब लगभग के हिसाब से तो कईयों हज़ार किए हैं दर्शन यहाँ, अब गिनती से आप बता नहीं सकते कितना किए हैं, लेकिन हजारों की संख्या है। जी क्या लग रहा है कि जैसे एक कोरोना महामारी को लेके जो पिछली बार रहता था कांवरियों का एक हुजूम रहता था, इस बार देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी काफ़ी मतलब दर्शन करने में लोगों को आसानी, और इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, जनता जागरूक है, इस हिसाब से जो कहा गया उस नियमों का जनता पालन कर रही है। जी जी, इसमें कोई समस्या नहीं। अगर पिछली बार की तरह भीड़ थोड़ा इसलिए कम है कि कांवरियों को मना किया गया, वो लोग जानते हैं, मान गए, उस कोरोना को देखते हुए भीड़ जितना है उतना मेंटेन करके चल रही है, कोई समस्या नहीं हो रही, ना किसी को कोई खतरा है कोरोना होने का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, तो देखिए मंदिर परिसर के अंदर है, यहाँ पे जो कुछ पुजारी हैं जिनके देख रेख में ये सारा पूजा पाठ होता है भगवान शिव का, तो उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि सावन का आज दूसरा सोमवार है, लगभग कितने श्रद्धालु जो है यहाँ पे सुबह से दर्शन कर चुके होंगे, अभी 4 बजने को बाकी है। जी यहाँ पे सुबह से मंदिर खुला हमारा 2:30 बजे खुल गया था। जी और जिस हिसाब से पहले भीड़ होती थी उस हिसाब से भीड़ हुआ नहीं है। पहले तो महामारी की व्यवस्था जो सरकार ने गाइडलाइन पास किया है, बोलबम कांवरिया वालों को एकदम बंद कर दिए हैं। जी जी, तो जैसे हमारे सोमवार तो सावन का महत्वपूर्ण सोमवार है, इस सोमवार में पहले 1-2 लाख भीड़ हो जाती थी, उस हिसाब से 25-30 हज़ार आदमी सुबह से लेकर अब तक जल चढ़ाए होंगे। प्रशासन बताता है, हम लोग देखते हैं कि प्रशासन पता नहीं कहाँ से गिनती कर लेता है कि विश्वनाथ से भी ज़्यादा बता देगा, विश्वनाथ जी में 2 लाख तो यहाँ बताएंगे 5 लाख, जबकि ऐसा होता नहीं है। 5 लाख अगर आदमी आएगा, 1 रुपया चढ़ाएगा तो 5 लाख चढ़ना भी चाहिए। जी बिल्कुल, और क्या लग रहा है यहाँ पे, जैसे लोग दर्शन पूजन आ रहे हैं, किसी को किसी प्रकार के व्यवधान? हम लोग कोई व्यवधान नहीं, हमारी मंदिर कमेटी है गोस्वामी प्रबंधक समिति, उसके हम लोग कर्मचारी, उसकी सारी सुख सुविधा जो है, देखिए आरओ का पानी लगाए हम अपने तरफ से, वहाँ भी लगाए हैं, साफ सफाई भी। जी बिल्कुल, एक और अंतिम सवाल आपसे कि जो मार्कंडे महादेव की क्या विशेषता है, क्यों इतनी दूर दूर से लोग दर्शन के लिए? यहाँ महाभारत के 84वां अध्याय पर लिखा है, श्री महाभारत वन पूर्ण दृष्ट नारदी वचनम मार्कंडे यस राजेंद्र तीर्थ महासाते दुर्लभम गंगा गोमती चैव संगमे लोग विश्व ते अग्निष्टोम आपनोति कुल च समुदते। नारद जी पांचों पांडव से समझाए कि हे राजन मार्कंडे साथ तीर्थ होना ही दुर्लभ है। दुर्लभ शब्द जो है पौराणिक कथा में किसी क्षेत्र में नहीं है, किसी पूरे वर्ल्ड में कहीं दुर्लभ शब्द नहीं है, और यहाँ पर गंगा गोमती का संगम है, संगम पर स्नान करके 1 लोटा जल चढ़ा देने से 1 अग्निष्टोम यज्ञ कराने इतना पुण्य मिलता है, पूरे परिवार के पापों से उद्धार होता है। ऐसा कहीं नहीं है कि एक आदमी जल चढ़ाएगा और पूरे परिवार के पापों से उद्धार होता है। यहाँ पर जो है पुत्र कामना के लिए मार्कंडे जी के पिता को कोई संतान नहीं था, यहाँ आए तपस्या किए, उनको जो है मार्कंडे पैदा हुए, मार्कंडे की उम्र केवल 12 वर्ष थी, वो यहाँ आकर अमृत को प्राप्त हुए, तो भगवान शिव ने कहा बेटा इच्छा जागृत थी मार्कंडे की, तो मार्कंडे ने वर मांगा। जिस तरह मेरे पिता को पुत्र नहीं था, पुत्र प्राप्त हो गया, मैं अपनी यह जीत लूँ, उसी तरह कोई भी सज्जन प्राणी आवे उसकी कामना अवश्य पूर्ण हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर मतलब जो यहाँ की आस्था है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए लोग ज़्यादातर दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों का मनोकामना ऐसे लोगों को कहना है। जी बिल्कुल, तो जैसा यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि जो मार्कंडे महादेव की जो आस्था है वो पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए लोग ज़्यादातर यहाँ पे लोग आते हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं दूध और जल जो है लेके चढ़ाते। तो आइए चलते हैं, हम कुछ और लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे।